लखनऊ में बार एसोसिएशन का टला प्रदर्शन, कई चौराहों पर पुलिस हुई तैनात। रायबरेली में घने कोहरे के चलते हुआ भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, 4 घायल। अलीगढ़ में लुटेरों ने गोली मारकर कार लूटी, पुलिस की टीम जांच में जुटी। हमीरपुर में युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में पुलिस ने पकड़ी गौवंश से भरी डीसीएम, आरोपी चालक गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ना जाने कितने प्रयास करती है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में नंबर वन बनाने और अस्पतालों को बेहतर तकनीक से लेस करने की भी बात कही है। इस मुद्दे पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं सूबे के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। सरकार और उप मुख्यमंत्री लगातार सूबे के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद चिंतित और जिम्मेदार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर वन बनाने की आपने बात कही है, तकनीकी रूप से अस्पताल जोड़ने की आपने बात कही है। सभी हॉस्पिटल्स को हम लोग बेहतर उचित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सभी मरीजों को अच्छी व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में मिले, इस प्रकार के लगातार काम चल रहे हैं। इस ठंड में सर, बढ़ती ठंड में हृदयघात के लोग मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जो को विशेष रूप से चिकित्सा व्यवस्था दी जाए, इसके लगातार पे काफ़ी अच्छा काम किया सर, टीवी पे काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। कोरोना जो है लखनऊ से अभी काफ़ी दूर है, लखनऊ कोरोना मुक्त दिख रहा है, तो आने वाले समय से कौन सी कल्याणकारी तैयारी है? दादा, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज नए जिलों में खुलने की तैयारी है? अभी 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, केवल 14 जिले शेष है जहाँ मेडिकल कॉलेज बना नहीं है, वहाँ कार्रवाई लगातार प्रचलित। विपक्ष लगातार जो है हमलावर हो रहा है, विपक्ष डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। जो हृदयघात के मरीज हैं उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से प्रदेश में निवेश जो है वो निवेश का बौछार होने वाला है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश नई विकास की ऊँचाइयों को छुएगा। वीडियो न्यूज़ के साथ मैं विवेक साई, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन संयुक्त का प्रदर्शन टल गया है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने 7 दिन का समय मांगा है। लखनऊ के कई चौराहों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं बार के अध्यक्ष का कहना है कि सभी मांगे मान ली गई हैं। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। कानपुर में सुपारी माफिया ने स्टेट GST की टीम पर हमला कर दिया। टीम ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की थी तो लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। हालांकि टीम ने भाग रहे ट्रक को फजलगंज में संत नगर चौराहे के पास पकड़ लिया है। जांच में ट्रक में सुपारी मिली लेकिन ट्रक चालक और अन्य फरार हो गए हैं। बरामद सुपारी की कीमत 70 लाख रुपए आकी जा रही है। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक नामजद समेत 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। GST टीम चेकिंग कर रही थी और उसी समय एक पूर्व सूचना एक ट्रक की थी जिसमें कि माल जा रहा था, जिसमें जो टैक्स एवेड कर रहे थे लोग, इन्होंने रोकने की कोशिश की दौड़ा कर, तो वहाँ जो पासर बाई थे ट्रक के, उन लोगों ने इनकी गाड़ी को रोका और इनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर इनके साथ हाथापाई किया, मारपीट किया, जिससे कि इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पशु तस्करी के
की जा रही है। मवेशियों से भरी एक डीसीएम को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने डीसीएम में 10 गोवंशों को बरामद किया है, साथ ही डीसीएम चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से ही पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची बस्ती के रहने वाले युवक के घर जब पुलिस वारंट लेकर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट ले गई। दरअसल वारंट पर गिरफ्तार युवक के खिलाफ वारंट ही फर्जी निकला। जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और थाना कोतवाली में तहरीर भी दिलवाई है। अपनी तरह के इस अलग मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है। मामले की जाँच के लिए क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। वारंट इस कार्यालय में मिला था जो तमिलनाडु तो थाना गोविंद नगर को गया था। गोविंद नगर ने सोनू राठौर नामक व्यक्ति को इस NBW की तामिला कराई थी। कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में जो संबंधित केस बताया था वो केस फर्जी निकला, जिसमें सोनू राठौर के नाम से कोई NBW ना तो जारी था ना उस केस का जो क्राइम नंबर था उस क्राइम नंबर पर 307 का कोई केस दर्ज था। ये एक फर्जीवाड़ा किसी व्यक्ति ने किया गया है सोनू राठौर के साथ। इस पे न्यायालय के आदेश पे थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत है। हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 26 वर्षीय युवक की लाश सड़क किनारे मिली। आपको बता दें कि चोटों के निशान को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 26 वर्ष है और इनकी जिस कारण से हत्या हुई उसका कारण जानने के लिए इनका शव कब्जे में ले लिया है। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराएंगे और जो भी सही चीज़ निकलेगी उसके आधार पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग रहे होंगे सर इसमें? अभी ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग थे और किनके साथ ये गए हैं। अभी एक जो है विक्रेता से केवल ये जानकारी हुई कि किसी सफारी गाड़ी से। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दो बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें हाईवे से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक गाड़ी थी उसमें इंजन में आवाज आ रहा था तो वो बोला कि धीरे धीरे चलने को, तो दो गाड़ी तीन गाड़ी थी टोटल, हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। ये थोड़ा सा आगे गया फिर 15 मिनट तक नहीं दिखा। 15 मिनट बाद देखे तो गाड़ी पड़ी हुई थी और इन लोग की बॉडी से आगे 150 मीटर आगे बॉडी पड़ी हुई थी। और हेलमेट इन लोग दोनों लोग पहनता है, एक का हेलमेट गायब है, एक हेलमेट वहीं टूटा हुआ पड़ा हुआ था और उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं देख पाए। हम लोग आए उठाए फ़ोन किए इसको। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे अंकल दिल्ली से। फरीदाबाद के सेक्टर 3 बल्लभगढ़ इलाके में कड़ाके की सर्दी में पानी के सीवर के ओवरफ्लो की समस्या झेल रहे लोगों ने अंबेडकर चौक में पैदल आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नगर निगम बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। लेकिन बल्लभगढ़ नगर निगम में ज्ञापन लेने वाले अधिकारी नदारद मिले, जिसके चलते प्रदर्शनकारी बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गए। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि मजबूरन उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही मीटिंग में मिलना पड़ेगा और फिर भी यही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारी बहुत लंबे समय से मांग है जी। सबसे पहली मांग तो यह है कि पूरे सेक्टर 3 में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और कुछ जगहों पर ऐसा है कि भी जो पीने का पानी है वो अडानी अंबानी और एयरटेल द्वारा जो ड्रिलिंग चल रही है पानी की लाइन तोड़ दी गई है, वो पानी सीवरेज में वेस्ट जा रहा है। मतलब पानी सीवरेज में वेस्ट जा रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब मैंने स्वयं उसकी वीडियो बनाकर गटर से इनको भेजी हुई है अधिकारियों को, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। दूसरा यह भी अभी सर्दी का टाइम है, अभी बाईपास रोड बनाते समय या कुछ हमारे 5 ट्यूबवेल जो बंद हो चुके हैं स्थायी तौर पर, उनकी जगह नए ट्यूबवेल लगाने की बात है, मांग है। और कमिश्नर साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था तो हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन अधिकारी टेंडर भी हो गया था लेकिन आज तक 4 महीने हो गया, आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ।
सेक्टर 3 में 36 वर्ग गज एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें पीने का पानी नहीं है और बूस्टर से उसको जोड़ना है। 5 ट्यूबवेल ख़राब हैं, बूस्टर से उसको जोड़ना है। और हमारे को ये बोला एक महीना पहले कि 4 दिन में हम जोड़ देंगे, और उससे पहले भी हम कमिश्नर साहब से, यशपाल यादव जी जब थे उनसे मिले, फिर ओमवीर जी एक्शन एससी साहब उनसे मिले। अलीगढ़ में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर व्यक्ति को गोली मार दी। आपको बता दें कि लुटेरे 2 दिन पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर सर्विस लेन से लूट ले गए थे। वहीं गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर नोएडा रेफर कर दिया गया है। घटना थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन की है। पुलिस पूरे घटना की जाँच में जुट गई है। 6:30 बजे अपनी दुकान से घर पे आ रहे थे और रास्ते के साइड में अपाचे पर आए 4 लोग, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर, मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे और उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी, उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। फिर कितना, यानी कि कौन सी गाड़ी लेकर आए थे, कहाँ पर? I-10 गाड़ी लेके आए थे और उनकी गाड़ी को मेरा पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आए थे। फिर किधर साइड भागे थे पता है? सर हम तो बेहोश हो गए थे, हमको नहीं पता किधर भागे थे। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? सर हमने नहीं दी, किसी गांव वालों ने दी होगी। रायबरेली में गुरबक्सगंज के खगरिया खेड़ा गांव के पास भीषण हादसा हो गया। बछरावा से लालगंज की तरफ जा रहा डंपर अनियंत्रित होकर वहां खड़े लोगों को रौंदते हुए खंदी में चला गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी मृतक खागिया खेड़ा के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें राहत और बचाव कार्य जारी है। एक्सीडेंट की, तो इसमें एक डंपर ने गुमटी को टक्कर मारी है और इसमें वहाँ गुमटी पर कुछ लोग, बताया जा रहा था कि चाय पीने एकत्रित हुए थे, तो इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 घायल थे। अभी दो और हम लोग के सामने निकलवा के उनको भिजवाया गया है, उनकी स्थिति अभी स्पष्ट हो जाएगी। राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया मैम? यहाँ पे लगभग जो जितने लोगों का नाम उस पर बताया गया था जो मिसिंग थे और बाकी लोग मिल ही गए थे, तो वो संख्या पूरी हो चुकी है। राहत बचाव कार्य इस तरह से पूरा है, बाकी हॉस्पिटल पे भी हमारे मजिस्ट्रेट। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।